कंपनी। आज की कहानी का नाम है कंपनी। कंपनी जिसमें बहुत से लोग काम करते हैं। कौन क्या है, कौन कैसा है, किसके दिल में क्या प्लानिंग है, कौन आस्तीन का सांप है, ये कहानी जैसे जैसे आप देखेंगे अपनी आस्तीनों से सांप निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। फ्रॉड, धोखा, किडनैपिंग के साथ तजस्सुस से भरपूर कहानी आपके सामने पेशे खिदमत है। देखिए कंपनी। ये बाहर वाले सिलेंडर उठा के अंदर रख। हाँ, क्या हुआ? हाँ चल, अच्छा है, चल अच्छा है। हाँ ऊपर नीचे रख, ऊपर नीचे। और वो क्या हुआ, शादी हाल वाले को सिलेंडर पहुंचा दिए थे? सही है, कोई भी आए ना पहले पैसे लेना, बाद में सिलेंडर देना। बोलना भाई पैसे दो, सिलेंडर पहुंचा देंगे हम लोग, किराया वराया जो भी होगा हम खुद कर लेंगे उसमें। हाँ बच्चा इसको उठा के साइड पर कर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? वो क्या है के वो हमने बड़ा एक कंपनी, अच्छा बोल रहे, अगर जितने भी आपको गैस सिलेंडर चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। क्या रुपए किलो पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है तेरा भाई? अगर आपका माल ज्यादा क्वालिटी में है तो हम आपको 50% डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और आपको औरों से अच्छा माल देंगे, इसमें आपको मुनाफा ज्यादा नहीं। उसमें मुझे ये बताओ, माल तो आप मुझे दोगे, लोग किलो के हिसाब क्या पड़ रहा है मुझे ये बताओ ना। किलो के मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि तुझे मैं 50% ज्यादा, 50% को छोड़ो ना यार, मसला ये कि 50% क्या, 40-30-60% तो हमें पहले मिल रहा है रेट तो ऊपर। अरे मेरी बात सुनो पहले, सुनने वाली बात है ना, देखो समझने वाली, ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप हमको दूसरों से 50% में आपको ज्यादा तो ये आपको मुनाफे में आएगा और आपको प्रेशर वाले गैस में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप, कैसा है भट्टी? करता हूँ मैं तुझसे बात। हाँ बात करता हूँ, तुम चलो। कौन है ये? डील चल रही थी हमारी, गैस कंपनी है इनकी। काम का क्या है? ये कह रहे थे कि हमसे गैस लो, हम तुम्हें माल देंगे। मैंने पूछा क्या इस रेट पे दोगे, तो कहने लगा कि 300 रुपए। मैंने लगा 270 रुपए तो हमारे को पहले पड़ रही है, तो मुझे कहने लगा कि कर लेंगे हम जो भी है। अब देखिए क्या बात बनती है, कहाँ तक पहुँचते हैं। हमारी जो कंपनी है ये चाइना से रिलेटेड है, इनके गैस में प्रेशर ज्यादा होता है दूसरे कंपनी। अरे मेरी बात सुनो, प्रेशर तो वो भी देंगे, अब सरदार आ गए ना, ये जो फैसला करेंगे वो मान लेता हूँ। क्या बोल रहे हैं? सरदार का फैसला होगा। देखो मेरा जो फैसला होता है ना वो अपने उसूल के मुताबिक होता है, मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये कौन है और ये कौन है। मैं काम की बुनियाद पर बात करता हूँ, कारोबार की बुनियाद पर बात करता हूँ। भट्टी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसका जो काम शुरू है वो कर रहा है, तो जाहिर है कि तुम्हारे साथ अगर कोई लेन देन होती है इसकी तो तुम्हें भी इसके साथ मुकम्मल तआवुन करना होगा, ताकि ये चार पैसे कमाए। गैस का मयार और वजन बराबर होना चाहिए ताकि इसको कोई शिकायत ना मिले। अब तुम अगर मिल के बैठ के कोई काम करते हो तो ये यहाँ के उसूल के मुताबिक बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे को
फायदा भी होगा, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं, कारोबार में ईमानदारी बहुत जरूरी है, इंसान की नीयत बहुत जरूरी है, और ये नीयत ही इंसान को कामयाब करती है। और इसीलिए मैं पट्टी से कहूंगा कि ठीक है, अगर इनसे तुम्हारी सेटिंग हो जाती है तो करो, वो अच्छी बात है। और ये है कि भाई मैं बट्टी मेरा आदमी है, तुम्हें कर, तुम भी मेरे हो, लेकिन दोनों को नुकसान ना हो, दोनों शिकायत देके मेरे पास नहीं आए। मैं ख्याल रखूंगा, एहसास करता हूँ, जब भी बट्टी मुझे रिस्पेक्ट देता है, दुनिया मुझे रिस्पेक्ट देती है, मेरे फैसले को मानती है, मेरी बात को तस्लीम करती है, तो जाहिर है कि मैं भी वही बात करूंगा जो उनके लिए बेहतर हो। और ये बट्टी जो है काम जो कर रहा है माशाल्लाह, मैं इससे बड़ा खुश हूँ। और अच्छा लगा कि इसने कहा कि सरदार फैसला करेंगे, तो मैं तुमसे भी ये कहूँगा, अपने काम का नुकसान मत करो, बट्टी के काम का नुकसान मत करो, चार पैसे तुम भी कमाओ, चार पैसे ये भी कमाए, जब जाके कारोबार बनता है और चलता है। ये है सारी बात, इसमें तुम अमल करोगे तो तुम्हारा कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, कस्टमर बढ़ेंगे और कारोबार फैलता जाएगा तुम्हारा। और मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात के लिए कि हाँ, मेरे दोनों बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट का मकसद यही होता है कि मुझे भी आप लोगों का ख्याल करना है, एहसास करना है कि जब ये मुझे तस्लीम कर रहे हैं, भाई मालिक हैं। हम ये है कि हमारी जो गैस होती है वो अच्छी नस्ल की होती है, और हम इसे क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करते हैं। हमारा गैस का मेयार ही कुछ और है, हमने चाइना से ये प्लांट बनाया हुआ है उनके साथ। वो ठीक है, तुम्हारा कहना अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है, मानता हूँ, लेकिन बात वही हो, चाइना का हो, कहीं और का हो, यहाँ आकर बेईमानी ना हो, कि बहुत सी चीजें चाइना से आती है, कोरिया से आती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है, यहाँ आके वो डबल हो जाती है, डबल में नुकसान होता है, क्वालिटी में नुकसान होता है, कस्टमर घटते हैं, निकलते हैं, चले जाते हैं, फिर जाके वो बेचारा परेशान होता है। तो दोनों सेटिंग ऐसी करो, ऐसा मुआवजा कर लो आपस में कि तुम्हारे रोजी भी चलती रहे और काम भी होता रहे और कस्टमर भी बढ़ते रहे और एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत भी बह रहे। ये होती मोहब्बत और भाईचारे की बात, इसमें इज्जत का भी ख्याल रखा जाता है, काम का भी और आमदनी का भी। ये नहीं कि बस उल्लू बनाया चल दिए, उसके बाद कब तक खा लेगा, फिर कारोबार खत्म, जब कारोबार खत्म तो वहां पड़ा हुआ है, वहां पड़ा हुआ है, तो फायदा कुछ नहीं है, तो इससे कुछ फायदा नहीं है। इसको कम काम करो, बिल्कुल करो, लेकिन एक मुआवजा करके, ईमानदारी से एक दूसरे के शुकूक निकाल कर, और बिल्कुल जो ये चाहता है वो तुम दो, जितने तुम चाहते हो तुम्हारी सेटिंग होती है, तुम उससे लो, ये देगा तुम्हें पैसे हर लिहाज से। मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे इलाके में काम चल रहा है और अच्छी बात है, लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, इसके बाद कौन सा मैं इससे कुछ लेके जाता हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरे अंडर में जो लोग रहते हैं वो मेरा इज्जत करते हैं, तो वो बेईमान नहीं है और तुम भी बेईमान नहीं हो, इसलिए कि तुम्हें सेटिंग ऐसी करनी चाहिए कि काम के साथ, रोजगार के साथ, आमदनी के साथ ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी काम में बरकत देती है, वरना फायदा कुछ नहीं होता। अच्छा, एक दूसरी बात मैं हाँ, सैलेंडर को ऐसा रखो कि तुम्हें भी परेशानी ना हो, आने जाने वालों को भी परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखना, ये बहुत जरूरी है, हमें मोहल्ले का, आने जाने वालों का ख्याल करना। ठीक है सर, आपसे मिलके सब चीज देखने के बाद बड़ी खुशी हुई, सेटिंग कर लो, कोई बात नहीं, शाबाश। 45.4 पक्का, ठीक है, कल 50 सिलेंडर उतारो और पेमेंट हाथ के हाथ ले लो। तो ठीक है, बैठो, चाय पिलाऊं मैं तुम्हारे को। हाँ सेठ। हाँ, कौन हो तुम? बैठो बैठो। कह तो है, कौन हो तुम? बदतमीजी नहीं, हम तो मिलने के लिए आए तुमसे।
इस तरह कोई मिलने ऐसे आता है कोई? हाँ मैंने सुना है तुम बड़ा अच्छा धंधा चला रहे है अपना ऑफिस का। मैं अभी इंस्पेक्टर को फोन रख। क्या है? बात करने आया हूँ, बात करना है उनसे। घबराओ नहीं, हमें देखकर तो तुम्हारा एक रंग आ रहा है और एक जा रहा है। क्या बात कर रहे हो, कौन से धंधे की बात कर रहे हो? सुना है कि इस कंपनी के वाहिद मालिक हो तुम और बड़ा हिस्सा है तुम्हारा। हाँ है तो क्या? अब जो कमा रहे हो उसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। तुम्हारा किस चीज का हिस्सा? कैसा हिस्सा और कौन सा हिस्सा? पर्ची का नाम तो सुना होगा तुमने। हाँ वो पत्ते वाली। बिल्कुल पत्ते वाली। अब छोड़ हिस्सा डाल हिस्सा हफ्ते का हिस्सा। भाई हाँ। कोई जबरदस्ती है तो मैं से नहीं दूंगा। हाँ जोर जबरदस्ती। ये 50 रुपए की गोली है, यहाँ से ट्रिगर दबेगा ना तो मोबाइल के बटन तक तेरा हाथ भी नहीं जाएगा। हाँ लगा, ये ले लगा अपने मैनेजर को फोन, चल पैसा मंगवा। एक मिनट मंगवाता हूँ। मंगा 5 खोखा। शायद भाई एक मसला हो गया है। अबे मसले को छोड़, पैसे मंगवा चबट, पैसे मंगवा। हाँ मंगवाता हूँ, मंगवाता हूँ एक मिनट। शाबाश, समझदार लड़का, जब भी इतनी जल्दी समझ गया। अरे हाथ नीचे नीचे कर, नीचे कर। अरे गोली नहीं चलाना। चल चल निकल, उठ उठ इससे पहले के पकड़े जाए। निकल थे बोलो। मेरे से भत्ता मांग रहे थे और मेरे से पर्ची भी दी, यहीं थे अभी चले गए शायद। चलो तुम बैठो आराम से अपने सीट पे, ये तुम्हारी जगह है, तुम्हारी सीट है, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अपना मोबाइल दो, मैं खान को कॉल करूं। इंस्पेक्टर खान को फोन मिलाए। मैं उसको बोलती हूँ खान को, जो भी मसले मसाइल है वो हल कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर खान, क्या हाल है, कहाँ है आप? अच्छा ये मेरे देवर पे ना हमला किया गया है, तो आप जितनी जल्दी हो सके ना आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, शहबाज के ऊपर। जी जी वो कुछ लोग थे, पता नहीं कौन थे वो। भाभी क्या करूं, परेशानी वाली बात तो है। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बस इंस्पेक्टर खान आ जाए, मैं उसको पूरी डिटेल दे दूं और हमारे मसले का हल भी निकाल दूंगा। आने दो इंस्पेक्टर खान को। क्या वो शहबाज? शहबाज दो बंदे आए थे मुझसे पैसे मांग रहे थे, जोर जबरदस्ती भी कर रहे थे। आप सिक्योरिटी बढ़ा दें क्योंकि मेरे देवर की जान को खतरा है, ताकि इस पे हाथ हमला किया कल अल्लाह ना करे इसको कोई मार दे तो मैं क्या करूंगी। को पड़ी हुई थी मैंने वो उठा ली। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं इसके भाई को क्या जवाब देती? ये कितनी देर की बात है? कुछ देर की बात है बस, घंटा आधा घंटा हुआ है। दिखने में कैसे लगते थे? एक ने कमीज सलवार पहनी हुई थी, एक ने पेंट शर्ट पहनी हुई थी, देखने में एक उर्दू सीख लग रहा था और एक पंजाबी लग रहा था। दोनों के पास पिस्टल थे, वो तो शुक्र है मैंने क्लाशन उठा ली। ठीक है आप एक काम करें, मैं तुझे एक ऐसी अलार्म वाली घड़ी दूंगा जिसके बटन दबाते ही आप, ठीक है सर, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े कर दूंगा। आप कैसे कर रहे हैं इस बात से कि आप पर कोई हमला होगा? थैंक यू सर, मैं अपनी सिक्योरिटी बार अलर्ट कर दूंगा और आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, ठीक है? सिक्योरिटी गार्ड अच्छे वाले रखना। नहीं अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, आप बेफिक्र रहें, कोई फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि आप सिक्योरिटी के बारे में ऐसे ना हो, वो लोग कोई फिक्र ना करें, अब आप पर कोई हमला नहीं होगा इंशाल्लाह।
ठीक है, मैंने सब सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ओके भाभी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं आ सकता, मैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर तुम्हारी बहन भी तो है ना तुम्हारे साथ। भाई आप परेशान ना हो, मैं भी आपके साथ हूँ। क्या बताऊं भाई, एक छोटा सा कारोबार करके बैठा हूं मैं, परेशानी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अब आप ये पुलिस वाले को देखे ना, रोजाना मुझसे हफ्ता भी लेकर जाते हैं और ये बाइक वाले आते हैं मुझे पर्चियां भी देकर जाते हैं, ये तो कोई तरीकेकार नहीं है ना। अब मैं क्या करूं मुझे बताया ना। मैं ये सब कहना चाहता हूं कि आप उनको समझाएं, मेरी रोजी रोटी का मसला है, आप देखें ना प्लीज। जानता हूँ तुझको, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, मैं मुझसे कोई बचावा नहीं है। ये पुलिस ऐसे नहीं आती है, कोई ना कोई मकसद होता है। तुम काम के साथ दूसरा भी कोई काम कर रहे हो, जब भी तो पुलिस आई ना, ये ऐसे थोड़ी होता है यार। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारी बात बता दूंगा कि तुम कौन हो, तुम मुझे इज्जत देते हो, सब कुछ है, लेकिन मैं बताऊंगा तुमको, मैं तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ। पुलिस आई ना, मैं जानता हूँ, आई थी पुलिस, तुमने क्या जवाब दिया, उससे पहले क्या हुआ और पुलिस क्यों आई थी, ये सब मुझे नहीं है। अपने आप को ठीक कर लो, कारोबार करो, इज्जत से रोजी कमाओ, बस और कुछ नहीं। कुछ और काम करोगे मारे जाओगे, कारोबार नुकसान, बच्चे परेशान, घर वाले परेशान, दुकान अच्छी चल रही है और वो ठप हो जाएगी मेरे इलाके में। मेरे इलाके में ये नहीं चलेगा। मुझे इज्जत देते हो ना, तो मैं इज्जत से तुमको समझा रहा हूँ। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? शक नहीं है, मैं बताऊंगा तुमको, लेकिन मुझे बहुत सारी बातें इन है, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, अभी कुछ नहीं कहूंगा, अभी तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि तुम्हें अपने हिसाब से चलना है तो उसमें वो चीज निकाल दो जो गलत रास्ता है। बहुत छुपता है मुझसे तुम, सब बात निकाल दूंगा, एक एक चीज सामने आ जाएगी और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। इज्जत से इज्जत बनती है, खुददारी से इज्जत बनती, कारोबार पे इज्जत बनती है, ईमानदारी से इज्जत बनती है। ये मुआशरा जो मुझे इज्जत देता है ना, वैसे नहीं देता है, मुझे सब जानता है और मैं भी इन लोगों को जानता हूँ। मेरे करीब जितने लोग रहते हैं सबको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उनका दिन कैसे गुजरता है, रात कैसे गुजरती है, क्या करते हैं, कारोबार ये कर रहे हैं तो पीछे और क्या कारोबार है, किस बात में मुलव्वस हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पता है। अभी मैं सिर्फ तुमको से बता रहा हूँ, पुलिस ऐसे नहीं आती, बस जो कुछ है मेरी बात को, मेरे फैसले को मानते हो तुम, मुझे फैसले में इन्वॉल्व करते हो, इससे मिला रहा उससे मिला रहा, बात को क्लियर करवाना, जब इतनी इज्जत देते हो हर बात बताओ, हर बात बताओगे तो तुम्हें फायदा होगा, तुम्हें फायदा होगा, तुम्हारा कारोबार चलेगा और मेरे इलाका साफ सुथरा रहेगा। मेरे इलाके में पुलिस नहीं आई, मुझे नहीं पसंद कि पुलिस आए यहाँ पर, नहीं मानता मैं पुलिस को, लेकिन जब पुलिस आती है तो कोई वजह होती है, ऐसे नहीं आती है पुलिस, पुलिस पागल नहीं है, मेरे इलाके में पुलिस ऐसे नहीं आती है, जानती है कि शेर खान का इलाका है, आई है क्यों आई है तो बताओगे मुझे बताओगे, वरना कोई बताए क्या, मेरे लिए पुलिस आई है, मेरे लिए पुलिस आ सकती है, पुलिस मेरे अंडर में है, पुलिस की मैं इज्जत करता हूं और पुलिस भी मेरी इज्जत करती है। मेरे इलाके में पुलिस का कोई काम नहीं है,
अगर आई है तो कोई वजह हो और मैं सब मालूम कर दूंगा, लेकिन तुम खुद अगर बता देते हो कोई ऐसी बात जो तुम्हारे लिए पुलिस आई थी तो मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर छुपाओगे तो कारोबार भी खत्म हो जाएगा, तुम यहां से निकल जाओगे। बस ये मैं बता दूं तुमको, मेरे इलाके में पुलिस नहीं जानी चाहिए, नहीं मांगता पुलिस को मैं। मैं उसूल पसंद आदमी, इज्जत करता हूं, इज्जत लेता हूं, इज्जत से ही कारोबार चलता है और इज्जत से इंसान की मोहब्बत बनती है। तुम्हें चलता हूं। ठीक है, मैंने बता दिया ना, जाओ आइंदा जब भी पुलिस आए तो उसकी वजूहात तुम बताओगे मुझे, फैसला मैं करूंगा, और अगर पुलिस तक चली गई बात फिर मैं नहीं जानता कि क्यों आई है, कौन आए, सारा ठीक है। जाओ जाओ आराम से काम करो, कारोबार बनाओ, बच्चों के लिए काम करो, शाबाश, चलो मैं फिर खुद ही लेता हूं। आते हैं मेरे पास, पुलिस आई थी। उस्ताद गाड़ी कुछ काम नहीं सही कर रही है, गाड़ी को देखो और गाड़ी को ऐसा बनाओ जैसा मैं हूं, जो मैं चाहता हूं। तुम्हें तो पता है ना कि मैं किस तबीयत का मालिक हूं, तो गाड़ी अगर तो बना देते हैं तरीके से, मेरी गाड़ी को देखो अच्छी तरह से ऊपर नीचे सब जगह, क्योंकि रास्ते में परेशानी ना हो, लंबे रूट कर जाता हूं मैं, छोटा रूट भी जाता हूं ट्यूनिंग कर, मैं बस तुम्हें क्यों रख बताया, मैं बस काम चाहिए मुझे। ओके अरे तुम यहां खड़े रहे तो कुछ काम भी क्या कर रहे हो, जाओ सगर भट्टी को बुला के लेकर आओ मेरे पास, उससे दो बातें करनी है मुझे जल्दी, और देखो उसको कहना फौरी आए मेरे पास, काम टाइम जाए ना करे, मुझे जाना है, बहुत सारी बातें करनी है और इस तरह नहीं होता है, उसको बताना बेटा इंतजार कर रहा हूं, शाबाश जल्दी निकलो। भट्टी बात सुनो, तो मैं गया था पुलिस के पास, मुझे तो सारी बातें ही थी कि क्यों आए थे पुलिस, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से गया था कि क्या बात, उसने मुझे बहुत कुछ कहा है, उसने कहा है कि शेख खान हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप हमारे बड़े हैं और इस इलाके के सबसे बड़े आदमी आप हैं, हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हमें बहुत इज्जत देते हैं और हम आपकी बात का बहुत मान रखते हैं, आपके इलाके की कदर उसी तरह करते हैं जैसे हमारा घर है, लेकिन यहाँ पर हम जब गए ना उसके पास भट्टी के पास तो कुछ बात है, हम गलत कभी नहीं चाहते, हमें शर्म आनी चाहिए कि शेर खान के इलाके में जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी थी, अगर हम नहीं जाते तो बात खराब होती, मैंने भट्टी को कई मरतबा बुलाया वो नहीं आया मेरे पास, इसलिए मैं गया था, बहुत सारी बातें उसकी हमारे पास आई हैं, उसको समझा दूं, आपके इलाके में रहता है, आपके इलाके में कारोबार कर रहा है तो उसको को कारोबार करे, कारोबार से हटकर कोई दूसरा काम ना करे सिवाय बेइज्जती और जलालत के, कुछ नहीं मिलेगा, मासूम बच्चों की तरह, सही बच्चा ना तुम, पढ़ता है ना, शाबाश तुम्हें सिर्फ पढ़ना है मेरे लिए, समझे भुट्टी, तुम्हें मैं फिर कह रहा हूं कि तुम सारी बात सारी बातें निकालो, अगर कुछ रास्ते में हो निकालो, शाबाश चलता हूं, अल्लाह। बस मैंने कहा समझो मेरी बात को, समझने की कोशिश करो और ऐसा ना हो कि पुलिस से पहले फैक्ट मैं निकाल, मैं चाहता हूं मेरे मोहल्ले में मेरे इलाके में पुलिस ना आए, ठीक है, ठीक,
एक दो कई मर्तबा समझाए इन लोगों को, लेकिन ये नहीं मानते। हाँ भाई, कैसा चल रहा है काम? फर्स्ट क्लास। हाँ, वापस तरफ आकर बैठो। और सारी फाइलें वगैरह कंप्लीट कर ली आपने? हाँ यार, सारे काम मैंने कंप्लीट कर। और बाकी वर्कर सही से काम कर रहे हैं ना? कोई आया तो नहीं था? नहीं नहीं, कोई नहीं आया। इंस्पेक्टर खान ने कहा था कि किसी को गार्ड के लिए भेजेंगे, तो कोई आया नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपको इंस्पेक्टर खान ने बॉडीगार्ड के लिए भेजा है? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बॉडीगार्ड के लिए आए क्योंकि शहबाज पे जो हमला हुआ था, इसलिए इंस्पेक्टर खान ने इनको भेजा है यहाँ पे बॉडीगार्ड के लिए। तो ये अब हमारे साथ निगरानी पे रहेंगे ताकि कोई मसला ना हो और दोबारा से कोई हमला ना। अरे मैम, अभी ये आपका टेंशन नहीं है, ये मैं हल कर लूँगा। जी ठीक है, अब हमारे लिए टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारे बॉडीगार्ड आ गए। और बाकी कोई कॉल्स वगैरह तो नहीं आए ना? कोई ईमेल वगैरह आई है क्या? कुछ फाइलें मैंने देखी थी बाहर में। नो, कुछ भी नहीं आज तो मैंने देख लिया था। चलो कुछ करती हूँ मैं। अब आप फिकर ना करें, हमने ना सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करा हुआ है। अभी बाहर भी, ऑफिस के बाहर भी सिक्योरिटी करा होगा। हाँ, आप कोई फिकर ना करें, ठीक है ना? हाँ, आपको किसी टेंशन की जरूरत नहीं। अब मेरा सिक्योरिटी इधर सब काम संभाल लेगी। आपको कहीं भी जाना हो इत्तला कर देना, मैं गेट पर ही होऊंगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, कहीं भी जाऊंगे आपको बता कर जाऊंगे, बेफिक्र हो जाएं। और हाँ मैडम, किसी आरे गेरे को अभी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको जो भी काम होगा मुझे आप इत्तला करेंगी, फिर आप काम कर। जी जी, कहीं भी जाऊंगी आपको इत्तला करके जाऊंगी, मैं हो या मेरे देवर हो तो हम आपको इत्तला कर देंगे। और ये लड़की है बाकी जो हमारे साथ काम कर रही है। मैं गेट पर हूँ, कोई भी जरूरत हो मुझे बता दे, ठीक है? हाँ, मैं गेट पर हूँ। जी बहुत शुक्रिया, चलें अपनी ड्यूटी संभालें। हाँ भाई, तुम और तुम्हारे साथी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर सकते। दुबई से वो यहाँ आ गया, वो प्लस तो तुम लोग आए भी, हमको धमकी भी नहीं दे सके। वो उल्टा क्लास से निकाल लिया तुम लोगों के आगे। तुम लोगों के सिर्फ बातें, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर शुरू से उसे धमकी दे रहे होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हों का दिमाग खराब हो गया? जो काम दिया उसको सर अंजाम दे दो जितनी जल्दी हो सके। और तो और, पूरे खानदान वाले आ जाएंगे ना तो कब्जा कर लेंगे पूरे जायदाद से, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकती मैं। चलो, तुम लोग अभी उसका बार बार का नहीं कर सक रहे तो आगे क्या करोगे? मैं भी यही देखती हूँ, तुम मुझे बात ही किए जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर सकते। और तुम्हारा बंदा क्या कर रहा है? वो भी तो ऐसी फारिक है ना, ऐसी बात ही है बस। हाँ भाई, कैसे वैसे को छोड़ो, तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ठीक है? वो बच्चा भी यहाँ का सवार हो गया, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो मैं तुम लोगों से कह रही हूँ ना, अब तुम लोग वो करो। कितना समझता, तुम वहाँ पे सवार हो गया और आखिर तुम लोगों ने किया क्या? कि कितने से बच्चे से तुम लोग डर गए, इतने बड़े गुंडे हो गए, तुम लोग क्या करोगे? अब सारे काम छोड़ो, भट्टी से भी कहो उसे अगवा करना है, ठीक है?
तुम्हारे तरीके देख लिए मैंने, समझ आ रही है तुम्हें बात जो मैं कह रही हूँ? क्योंकि तुम लोगों ने जो करना था वो तुम लोगों ने किया, अब जो मैं कह रही हूँ वो तुम लोगों ने करना है। अब उसे अगवा करो और जितनी जल्दी हो सके, और मेरी बात गौर से सुनो, भट्टी को भी बता दो जितनी जल्दी हो सके उसे अगवा करो। अब जी हाँ अगवा, तुम लोग पैसे वैसे को छोड़ो, जो काम दिया वो करो। तुम लोगों को मुंह मांगी कीमत तो दे रही हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे, कितने चाहिए जितने जल्दी हो सके ना तुम मुझे बताओ। ये समझ से बाहर है, ये लोग करेंगे क्या? चलो अब आप आकर अपनी सीट संभालो, मुझे एक इमरजेंसी काम है तो मैं चलती हूँ, और शहबाज आए तो उसे यहाँ पे बैठा देना। हाँ यस ठीक है, मैं संभाल लेती हूँ। समझ नहीं आ रहा, ये तो बहुत बड़ी गेम खेल रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या है यार, कुछ होगा भी नहीं होगा, क्या होना चाहिए यार? कब तक ऐसे करते रहूंगी, कब तक नाचती रहूंगी, कब तक मैं अकेले करूंगी? तुम लोग कुछ करोगे नहीं, इसकी जायदाद करनी है ना, उसकी जायदाद अपने नाम करनी है ना, उससे बॉडीगार्ड भी रखनी है। अब तो अब क्या करोगी तुम अपना? उसने बॉडीगार्ड भी रखनी है, बॉडीगार्ड के पकड़ पर हिलेगी। पहले तो उसको मैं ले जाती थी अकेले, इस बॉडीगार्ड की बॉडी को मैं ऐसी जगह लटकाऊंगा। अरे लगा लिया यार, इतना टाइम हो गया यार, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? भाई भरोसे की बात नहीं है, पर जल्दी तो करो यार, उसने बॉडीगार्ड रखनी है, बॉडीगार्ड के पकड़ पर हिलेगी नहीं, अब तुम कैसे करोगे बताओ? देखो मेरी बात हमेशा याद रखना, गरम गरम खाओगी तो जबान जल जाएगी, हमेशा ठंडे करके खाओ, मजे से खाओ। भट्टी मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें अभी यहाँ बुलाया। मुझे लगता है कि तुम इससे पहले भी यहाँ आए थे, और क्यों आए थे? ये आपको गलत नहीं, नहीं मुझे पता है, मेरे पास सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद है। और नहीं अगर आप है तो इनसे पूछ ले मैं कभी आया हूँ। नहीं वो तो पता हो, मुझे है पता तुम आए थे, मुझे आपको बता दूँ इनसे आप पूछ सकते हैं कि मैं आया हूँ। मुझे पता है तुम आए थे, मेरा घर है, मेरा ये ऑफिस है, और मेरे पास सीसीटीवी कैमरे थे। मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे मेरी जो जहन है ना वो काम कर रहा है कि तुम आए थे। क्या बात थी, क्यों आए? जब तुम मुझसे मिल चुके थे, बात सारी हो गई, फिर तुम्हारे आने का मकसद क्या था? देखो मुझसे झूठ से काम मत रहना, वरना तुम यहाँ नजर नहीं आओ, कारोबार भी तुम्हारा नजर नहीं आएगा। कारोबार तुम अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं। मेरे पास अगर तुम आओगे तो क्यों? जब सारी बात तुमने मुझसे कर ली कि पुलिस आई थी, ये था वो था, मैंने उसके लिए भी सारे काम कर लिए, मालूमात कर लिया, हर के मुझे पता था, मुझे तो एक एक बात का पता है, मुझे तो पुलिस वालों की बात का पता है कि वो क्या करते हैं। लेकिन वजूहात होती, तुम बताओ पहले क्यों आए थे, क्या काम था तुम्हें? जब हम मिल गए, और अभी तुम मना कर रहे हो, अगर तुम ये कहते कि हाँ ठीक है मैं आपसे मिलना आया था, आप नहीं मिले, लेकिन तुम मुझे मना कर रहे हो, तो मेरे दिल में शक हो रहा है कि क्यों क्यों आए थे। ये तुम्हारे मना करने पर मेरे दिल में शक हो रहा है, समझे? तुम अपना काम करती रहा करो, इधर उधर मत देखा कराओ। और तुम भट्टी 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 मेरी बात को समझो। मेरे साथ गेम मत करना भट्टी, वरना तुम यहाँ भी नजर नहीं आओगे और तुम्हारा कारोबार भी नजर नहीं आएगा। पुलिस कुछ नहीं करेगी जो कुछ मैं कर दूंगा, पुलिस मेरे हाथ के नीचे रहेगी, इसलिए कि मैं उनका मान रखता हूँ। हाँ मान रखता हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ क्यों आए थे, और तुम मना कर रहे हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम आए थे भट्टी भट्टी, तो आए थे, मुझे बताओ क्यों आए थे भट्टी भट्टी, तुम मुझे बताओगे, खुद बताओगे, बताओगे तुम मुझे क्यों आए थे।
मैं जिससे प्यार करता हूँ तो उससे नफरत भी करता हूँ, और जो मेरे खिलाफ कोई बात करता है या मेरे दिल में कोई शक पैदा होता है तो मैं बात को कंप्लीट करके खत्म करता हूँ, ऐसे नहीं छोड़ता हूँ। बस अब बताओ तुम मुझे क्यों है, बताओ बताओ मुझे सारी बात बताए, फिर मैं बोलूंगा तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। मेरा मूड खराब मत करो, मैं मुआशरे में रहता हूँ और इस मुआशरे में सही जबान होती है इस तरह की। अब बताओ तुम बट्टी बोलो बोलो बट्टी, क्यों आए थे, क्या काम था? तुम अभी तक मुझे नहीं पहचाने, इसे इज्जत देने से या रिस्पेक्ट देने से कुछ नहीं होता है, अभी तक नहीं पहचाने मुझे, मुझे पहचान भी नहीं सकते। नहीं पहचान सकते तुम, लेकिन मेरे सामने कोई ड्रामा कभी मत करना, कोई बात ऐसी मत कर लेना जिससे मैं मुश्तैल हो जाऊं। जब मैं मुश्तैल होता हूं तो फिर मैं अपने आप ही विवेक रहता हूं, ये बात ज़हन रखना। शेर खान नाम मेरा, और मैं हर वो बात करता हूं जो मेरे और मेरे इलाके की भलाई के लिए होता है, मोहब्बत के लिए होता है, और मुझे झूठ से नफरत है, बहुत नफरत है मुझे, समझे? बस मैंने तुझे समझा दिया, ये वो नगन इससे मैंने बहुत काम किए हैं। ये मैं सोचता है कि सिर्फ परिंदे मारे हैं, लेकिन उन लोगों को उस इलाके से निकाला है जो मुआशरे की गंध होता है, और ये मेरे पास गन इसीलिए है कि मैं मुआशरे की गंध साफ कर दूं। मैं बहुत नर्म दिल का आदमी हूं, लेकिन अपने मुआशरे को, इलाके को, मुल्क को साफ करने के लिए मैं सब कुछ कर देता हूं, और तुम्हें इसलिए मैंने कहा था कि मेरे पास सच बोलना, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, पुलिस आई थी, मैंने काम निपटा दिया, लेकिन तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि तुम यहां क्यों आए थे पहले, अभी तक नहीं बताया। जाने से पहले तुम मेरी बात का जवाब दोगे? सर मैं चलता हूं। चलता हूं। ये मेरे माशरे के लोग, ये मेरे माशरे के लोग जो मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूं। एक बात जानता हूं मैं। या तुम लोग जानती हो ना, इस वक्त इलेक्शन सर पे है, और जहाँ बच्चे की बात है वो आज दे कल मैं उसको लाजमी अगवा करूँगा, क्योंकि तुम जानती हो इस वक्त सबसे ज़्यादा वजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का है। बहुत परेशान हो गए इस वक्त, मैं तुम्हारा काम लाजमी। मैंने तो कहा था तुम लोगों से अगवा करने के लिए, पर तुम लोग मेरी बात समझते कब हो? यार अगवा कर लूँगा, आसान नहीं है ये काम, तुम समझती क्या हो? हाँ जब कहा है ना हो जाएगा तो हो जाएगा, और मैंने अपने बंदों को लगा दिया इस काम पे, आज नहीं तो कल बच्चा अगवा हो जाएगा, और तुम तो जानती हो ना यार क्या बस। मैं समझाना तो चाह रही हूँ। अच्छा तुम परेशान बिल्कुल मत हो, मैं अपने तरीके से काम कर लूंगा, ठीक है? और क्या बताऊं कि ये देखो, बस तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं कह रहा हूं ना कि कहो तुम। यार देखो मेरी जान, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने कभी तुम्हारा जो भी काम छोड़ा है, जो ये काम छोड़ूंगा बिल्कुल, मैं ये काम लाज भी करूंगा, आज तो कल
गार्ड तो सेफ्टी के लिए रखा है ना, गार्ड नहीं होंगे तो काम कैसे। अरे मैडम ये लड़का कौन है? ये मेरे कजन है। अरे मैडम हमने आपको बताया था कि हमारे इजाजत के बगैर यहाँ कोई नहीं आएगा। अब मेरे कजन्स भी पूछ कर आएंगे आपको? हाँ नहीं जी, हमने स्पेशल गार्ड रखा है हमारे गार्ड। हाँ मैडम, हमें वीडियो में ये भी पता चला है कि ये बच्चे को धमकाने वाला भी यही है। वीडियो में हमें पता चला है। क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी। तुम अपनी ड्यूटी और पैसा से वास्ता रखो। अरे तुम हमको ड्यूटी नहीं समझा, हमें सब पता है ड्यूटी क्या होता है। पैसे के बारे में तुम नहीं बताओ हमें, हमें अपने ड्यूटी करने से हमें किसने भेजा ही यहाँ पर? हाँ यार इसको समझाओ और सिर्फ बोलो यहाँ से जाए भाई। आप बाहर जाएं, मैं आपसे आकर बात करूंगी। अरे अगर कुछ हो गया? ठीक है जो भी होगा मैं देख लूंगी, आप जाओ बाहर। अरे मैडम अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। जी जी मैं खुद देख लूंगी। मौसम कैसा खुमार बनके
क्या जालिम लगती हो तुम यार, आफत लगती हो। कमाल है यार, जबरदस्त है यार, ऐसी खूबसूरती मैंने नहीं देखी। पायल देखो तेरे पाँव में कितनी अच्छी लग रही है यार, पायल की खूबसूरती बढ़ गई तेरे पाँव से। वाह यार, अल्लाह ताला ने तुझे कितना खूबसूरत बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया है, तुझे खुद पता नहीं है, खुद पता नहीं है कि तू कितनी खूबसूरत है। बस तुझे देखे जाओ, दीदार किए जाओ, तू जालिम है, जालिम है। तुम हुस्न का जादू चलाती है मुझ पर, मुझे पागल कर देती है, तेरे हुस्न का जादू मुझे पागल कर देता है। क्या करूं मैं यार, क्या करूं, कैसे करूं, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने बैठी रहती है। अल्लाह तुझे अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है, तुझे खुद पता नहीं कितनी हसीन है तू, जादूगरनी है तू, तेरी आंखों में देख कितनी ज्यादा पैसे, हजार पैसे, क्या करोड़ पैसे तुझे फेंकता हूं मैं, तुझ पे वार दू, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है तो ये पैसे तेरे लिए कुछ नहीं है, ये तेरे वार के फेंक दू मैं, वार के फेंक दू मैं। तुझे अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया, जरा दिल तूने खींच लिया अपनी तरफ, अपना दिल मुझे दे दे तू जालिम, मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मैं करता हूँ तुझसे मोहब्बत, तुझसे मोहब्बत की भीख मांगता हूँ, तू कितनी प्यारी है, स्वीट है तू जालिम, स्वीट है तू, जुल्म करती है मेरे दिल पर, तेरे दिल पर जुल्म करती है, ये हजारों क्या करोड़ों क्या अरबों तुझ पे कुर्बान करता हूँ मैं, कुर्बान करता हूँ मैं, ये कुछ नहीं है तेरे सामने, कुछ भी नहीं है, ये सदका है तेरे जिस्म का, तेरी खूबसूरती का, तुझे अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है, मैं कदर करता हूँ तेरी, और तुझे कदर करने की तू काबिल है, तो पूजा करने के काबिल है, ले रख बाहर के फकीरों को बांट के रख, तो बहुत जालिम है, ये खूबसूरती मैंने नहीं की, इतनी प्यारी लड़की मेरे सामने, मुझे सब पता है तेरे दिल में क्या है, तेरे जहन में क्या चलता रहता है, मुझे बता दे, मैं सिर्फ तेरी क्या जायदाद के लिए कर रही थी, और मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। तुम कितनी नादान। अच्छा ये बता, बट्टी का क्या प्लान था? मुझे नहीं पता बट्टी का क्या प्लान है। मुझे पता है, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, तो जितनी खूबसूरत है ना अंदर से उतनी और खूबसूरत है, और उस खूबसूरती का फायदा उठाकर तुम उससे झूठ भी बोलती है, सच भी बोलती है, दिल तुझ पर शक करता है, दिल तुझसे प्यार भी करता है, मुझसे कभी भी तू फ्रॉड नहीं करना, फ्रेम मत देना, मैं हूं जैसा, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, जिसे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो सिर्फ मेरी रहे और किसी की नहीं। तुझे क्या कमी है, कौन सी कमी दी है मैं तुझे, क्या नहीं देता हूँ, कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं करता, फिर भी मुझे शक है कि भट्टी से तेरा कोई सिलसिला है, कोई बात ऐसी है। मैं तेरे किरदार पे हाथ या उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन कोई बात ऐसी है जो मुझे शक में मुबतला कर देती है कि भट्टी से तेरे को ताल्लुकात ऐसे हैं, क्या मुझे यानी कि क्या कहूँ मैं तुम्हें कि मुझे यानी कि नुकसान पहुँचाने के, या मुझे ये नहीं कहूँगा कि तुम उससे दूर हो, लेकिन बात है कोई उसे बता दे मुझे, देख मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरी हर बात को दरगुजर कर दूंगा, रद्द कर दूंगा, मैं अपना प्यार कम नहीं करूँगा, ये मैं वादा करता हूँ तुमसे, मेरे शक को ना यकीन में बदलने से पहले उसको मिटा दे, वो लाइन मिटा दे जो एक शक की लाइन बन रही है। तू जितनी खूबसूरत है ना, मुझे बड़ा डर लगता है ऐसे भी खूबसूरत लोगों से, वो खूबसूरत तो बहुत होते हैं, लेकिन वो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर अपने, जैसे तू खूबसूरत है ना, वो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर वो कुछ और गेम भी खेलते हैं, और फिर दूसरे लोग से फायदा उठाते हैं। भट्टी को मैंने समझाया है, भट्टी की गलानी लाइन गलत है, अब वो
हो सकता है तुझे उसने पकड़ लिया हो, लेकिन मैं फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा ना कि बहुत प्यार करता हूँ, चीज के दिखा दो, शदीद मोहब्बत करता हूँ। नहीं, मेरे प्यार का यकीन है तुझे, अपने आप को मार लू। मेरी बात को गौर से सुनना, मैंने तुझसे शदीद मोहब्बत की है, ये मोहब्बत मैंने कभी किसी से नहीं की। और कहने वाले बिल्कुल सही कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती बल्कि हो जाती है। ये शुमार लड़कियां मिली मुझे जिन्होंने चाह कि मुझसे बातें करूं, दिलचस्पी लूं, लेकिन मैंने कभी उसका गौर ही नहीं किया। मेरे दिल ने ही नहीं चाहा कि मैं उनसे बात करूं, मैं दिलचस्पी लूं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी रात और नींद, दिन की नींद, रात की, सब खत्म, चैन वो सब खत्म। पता नहीं क्या है तुझमें, ये क्या है तुझमें, मैं नहीं समझ पाया। और मेरे साथ कभी धोखा मत देना, तेरे दिल मगर मेरे लिए सच्चा प्यार हो ना तो इजहार करना, मैं जबरदस्ती की मोहब्बत का काहिल नहीं।
दोस्तों की मोहब्बत, जहाँ खूबसूरत फूलों की तरह है वहाँ एक सूली की तरह भी मार देती है इंसान को, मर जाता है वो शख्स। धोखा मत देना, जबरदस्ती की मोहब्बत मत करता। दिल करता है, दिल चाहता है तो जरूर तेरे दिल मगर मोहब्बत हो तो उसका इजहार करना। मेरे साथ धोखा कभी मत देना, क्योंकि फिर मैं इंसान नहीं बल्कि जानवर बन जाऊंगा, और जब जानवर बन जाऊंगा तो मैं फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मोहब्बत जला देती, राख कर देती। जब तू मेरी अगर नहीं होगी तो फिर मेरी जिंदगी का फायदा क्या है? और सोच समझ के तुझसे बात करता हूं मैं, बहुत सोच समझ कर तुझे सारी बातें कहता हूं मैं, क्योंकि ये सारी मोहब्बत की बात है, दिल की बात है। और मुझे यकीन है कि तेरे दिल भी मेरे लिए मोहब्बत है। जब तो तू आती है मेरे पास, बैठती है, सब कुछ है, बस फ्रॉड मत करना मुझे, दोस्तों की तरह रहना। मैं देख तेरे लिए क्या कुछ नहीं करूँगा, सब कुछ करूंगा तेरे लिए, सब कुछ करूंगा तेरे लिए। इस चेहरे पर जो खूबसूरती है इसको मैं हमेशा कायम रखना चाहता हूँ, हमेशा कायम रखना चाहता हूँ। मेरी बात है यही है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत की कदर करना। और अगर नहीं है तेरे दिल में तो साफ कर देना, नहीं मैं नहीं करती मोहब्बत। हाँ मैं टूट तो जाऊंगा, अजीब गरीब हो जाऊंगा, लेकिन तेरी मोहब्बत को भुला नहीं सकूंगा। एक मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे साथ फ्रॉड मत करना, जो चाहिए मैं तुझे दूंगा बगैर कहे। इस खूबसूरती का तुझे वास्ता, मेरे साथ कभी धोखा मत देना। तुझे अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया कि मैं मुझ जैसा आदमी जो किसी को नहीं देखता था, तेरा हो गया। तेरे लिए सोचता हूँ, तेरे लिए बातें करता हूँ, अपने आप से, तुझसे, दिल से। बस तुझे तू नजर आती है, मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है तो मैं शुक्र करता हूँ कि तुझे भी अल्लाह ने मुझे दिया है, लेकिन सच्चे दिल के साथ। प्लीज मैं बार बार तुझे कह रहा हूँ, मुझसे कोई ऐसी बात मत करना कि जो मुझे जानवर बनाते। नहीं मना कर दे, ठीक है मेरा दिल टूट जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जबरदस्ती की बात तो मैं कायम नहीं। मोहब्बत करता हूँ तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत जो है ना वो समंदर से भी गहरी है, उसमें आग की तपिश भी है और पानी की ठंडक भी है, फूलों की महक भी है, बहुत प्यार है उसमें। अब तू देख जो तुझे पसंद है उसी हिसाब से बात कर। तीनों चीजें मुझे, आग भी है, पानी भी है और फूल भी है, क्या चाहिए मुझे? मेरी बात को यकीन बांध ले अपनी बात, तो मनी मेरे लिए है, लेकिन मुझे तेरी रजामंदी चाहिए। तेरी रजामंदी मेरे लिए है, मेरी जिंदगी है। वापस करता हूँ ना तो कदर भी करता हूँ, इज्जत भी करता हूँ। मेरी मोहब्बत में सबसे पहले इज्जत है, बेकदर है, एहसास है, बहुत 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 ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये प्यार ही तो है जो घंटों तेरे पास बैठा रहता हूँ, तुझसे बातें करता हूँ, सोचता रहता हूँ कि तू है मेरी या नहीं है, लेकिन है, मेरा दिल कहता है आप मुझे बचा लो।
मैं छोड़ दूंगी सब। मैं कह रहा हूँ तुझसे, बस मेरी बात क्या कर, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, किसी से मत डर। कोई तेरे साथ जुर्म करता है, कोई बात करता है, कोई तेरी बेइज्जती करता है, मैं हूं ना, तू मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत है। मैं अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करना जानता हूँ और तुझे मुकम्मल तहफ्फुज़ दूंगा, मुकम्मल तहफ्फुज़। रश करेंगे क्या नहीं चाहते, हर चीज मैं चीन नहीं जाना चाहती। हाँ मुझे मैं किसी से भी नहीं डरता, तू भी मत डर, तू अपनी माजी से मत डर, मैं हूँ तेरा तहफ्फुज़, मैं तेरी हिफाजत करूँगा, मैं तेरी हिफाजत करूँगा। कोई दिल में वसवसे या वहम मत डाल, इंसान हूँ तो इंसान की तरह मोहब्बत करता हूँ और इंसान की तरह चाहता हूँ, शैतान मत बनाना। शैतान नहीं बनना चाहता मैं। नहीं बनना चाहता मैं, प्यार करता हूँ, प्यार 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 करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम आदमियों कौन हो, मैंने तुम्हें कितना काम सौंपा है, सफाई का काम है, काम सौंपा है तुम्हें, मैंने दिया है पैसे दिए, मैंने कितने प्यार से मैंने तुम्हें काम समझाया था कि काम करो तुम, और तुमने मुझसे वादा किया था मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन तुमने अभी तक कुछ काम नहीं किया तुमने, हाथ पे हाथ धर के खड़े हो, अब उधर कहाँ जा रहे हो तुम, इधर क्या होता, काम करो तुम, उस काम को निपटाओ पहले, इधर उधर मत जाओ अपने लेकर अपने आप को, अजीब आदमी हो तुम, मुझे मेरा एहसास नहीं करे तुम, अगर मुझे जरा गुस्सा आ गया और मैं तुम्हारा शर बुरा कर दूंगा, समझ में नहीं आती बात, तुम्हें पैसे देता हूँ, काम लेता हूँ तो पैसे देता हूँ, तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा, सारा हर इलाके का, पूरे इलाके को साफ करना होगा, मेरे इलाके में रहने वाले लोग मुझे देखते हैं, मेरी तरफ देखते हैं वो, इसलिए मैं इलाके का मुहाफिज बना हुआ हूँ, मैं सब कुछ हूँ यहाँ पर, समझ भी नहीं आता तुम लोग कैसे लोग हो, पैसे भी लेके चले जाते हो और काम भी नहीं करते हो, मुझे गुस्सा अलग दिलाते हो, अगर मैं दिमाग मेरा खराब हो गया तो तुम्हारा राशन बुरा कर दूंगा, मैं तुम्हें हर लिहाज से पूरे इलाके को साफ कर रहा होगा, बेहतर बना रहा होगा, कोई गंद नहीं होगा, मैं कोई पसंद नहीं करता गंद बात, नहीं तो कदम बात अगर मेरे इलाके का था, इसको इसको नहीं आने देना, इसे पूरा काम लो, अगर नहीं करता इसकी पटाई करके बाद काम करो, इस इलाके को मेरा साफ होना चाहिए, साफ ध्यान इलाका पूरा क्लीन होना चाहिए, कोई शख्स ये ना कहे शेर खान का दवा कैसा है, कितने लोग आते हैं यहाँ पर सिर्फ मुझे देखकर आते हैं, मुझे देखकर एहसास करते हैं, हर चीज का ख्याल करते हैं, इन जैसे लोगों ने मेरा इलाका खराब कर दिया, दिमाग खराब कर दिया मेरा, गुस्सा दिलाते हैं, मेरे सब्र को आजमाते हैं ये लोग और कुछ नहीं है, और जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, एक एक को यही पर मैं दो मिनट के अंदर बुरा असर कर दूंगा। शरीफ आदमी का मूड है, वाले सलाम बाबा, वाले सलाम, तुम जाओ और इसको देखो, अगर ये आता है ठीक है, नहीं तो मुझे दोबारा आइंदा कभी कदम ना रखे, कभी ना रखे, मुझे बताना, फिर देखो मैं इसको लिखा। आ गए मेरे पास, पढ़ने लिखने जाते नहीं हो, मेरे पास आके बैठ जा, स्कूल गए थे, बहुत सलाम बाबा, वैसे तो है बहुत अच्छा पढ़ने में तेज, और तुम कैसा है पढ़ने में, तुझे ही पढ़ने में तेज होना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ने में तेज होना चाहिए, पढ़ाई को भी इंसान बनाए, उंगलियों को मत देखो अपने आप को। ये तालीम बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, इंसान बनाती है बच्चों को, और बच्चों को खेल कूद के साथ पढ़ाई भी करते, वालेकुम सलाम बाबा।
क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? मेरी दोस्त को उठा के ले गया। क्या? वो मेरे साथ खेल रहा है। कौन? मुझे सही बताओ। हाँ वो वहीं पे मेरे साथ ही था, एक बंदा। कौन लेकर गया है मुझे बताओ, पहचानते तो उसको? चलो बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर जी बात और सुनो, मेरे बेटे का जो दोस्त है ना, वो छोटा बच्चा है, उसको उठा के ले जाए। हाँ तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें तफसील बता रहा हूँ, और ये आओ। ये कैसे हो गया, किसने किया ये? फौरन कार्रवाई करो बेटो, फौरन। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं, अगवा बराए तावान बहुत बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और अभी मैंने नाकाबंदी किया हुआ है हर इलाके पे, और इंशाल्लाह बेहतरी आएगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में मंशियात काफ़ी फैल रहा है, इसके बारे में कुछ हल बता दें। बिल्कुल, मेरे जवान इसमें काम कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहें, अच्छा ही कार्रवाई होगी। सर ये जावेद भाई जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनका भी बेटे की वो अगवा हुआ है? जी जी बिल्कुल, जावेद का भी बेटा जो अगवा हुआ है, उसके हवाले से भी तहकीकात चल रही है। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम इंस्पेक्टर, बैठो। यार मैंने तो इसलिए बुलाया है कि यहाँ पर एक बच्चे को, हाँ मैंने सुना है कि यहाँ से बच्चा हुआ हुआ है, लेकिन सर ये सर की बात नहीं है, तुम्हें एक काम करना है, फौरी एक्शन लेना है। फौरन एक्शन? हाँ मैं खुद कह रहा हूँ तुम्हें, फौरी एक्शन लो उसका, बच्चा इधर उधर ना हो जाए, कहीं चला ना जाए, रास्ते ब्लॉक करवाओ। इलाके पे नाकाबंदी लगा दिए, बस ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं उसको तलाश करके मुझे फौरन दो। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह हम जल्दी इनको तलाश कर लेंगे और बच्चे को बाद आप कर लेंगे। बच्चे की माँ बड़ी परेशान है, बाप भी बहुत गया हुआ काम से, उसको पता भी नहीं है कि बेटे का। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, बस जल्दी काम करो, फौरन मुझे फौरी जवाब चाहिए, फौरी मेरी बात पर तवज्जो दूंगा, ये बच्चे की जिंदगी का सवाल है और मेरे इलाके की बात है, मेरे इलाके से किडनैप हुआ है। ठीक है, तो मैं हर लिहाज जो भी जिसको साथ आए और चल भी शामिल। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम, बैठो साहब। साहब बच्चे का कुछ करें? हाँ बच्चों का मैं कर रहा हूँ, तुम तो जॉब देते ना, तुम्हें पता नहीं था, अब मैं सब कुछ कानून को भी खड़खड़ा दिया है। इंस्पेक्टर आया था मेरे पास, उसको मैंने बहुत डायरेक्शन दिए, हिदायत दी उसको मैंने, फौरी कार्रवाई करो, बच्चों को इधर उधर नहीं होना चाहिए, फौरन बचा, तुम फिर परेशान ना करो। जाहिर तुम्हें पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैंने फौरन कानून को हाथ में ले लिया और सबको डायरेक्शन देना शुरू कर दिया। मेरे अपने लोग भी उनको भी आगे पीछे छोड़ दिया है, कुछ ना कुछ आज शाम तक तो पता चल जाएगा, हम परेशान होंगे, लेकिन बच्चों को थोड़ा भाग कर दिखाना करो। ठीक है, ठीक है। सलाम साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो, क्या हो रहा, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ।
हेलो मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं तो ठीक, खैरियत। आपने कैसे याद किया? मैडम एक बहुत बुरी खबर। बुरी खबर क्या? आपके गार्ड के बेटे को किसने अगवा कर दिया। क्या दिमाग खराब हो गया? कैसी बात कर रहे? सच कह रहा। कैसे हुआ ये? इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। या मेरे खुदा, कैसे ही पता चलेगा इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो वेरीफाई करवाओ कैसे हुआ क्या हुआ, थाने में जाकर FIR कटवाओ। आप फिक्र ना करें मैडम, सब हो जाएगा। चलो ठीक है। एक टेंशन खत्म नहीं होती, दूसरी टेंशन शुरू हो जाती। मैं तो परेशान हो गई हूँ, समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। कभी फाइल कभी हम ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। अब मेरे गार्ड के बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है, मैं तो परेशान हो गई हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अब तुम्हें पता है ना मेरे देवर पे भी हमला किया था डाकुओं ने कुछ दिन पहले, तो मैं क्या करूँ, मुझे सर फटा जा रहा है मेरा। है कौन, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? अब क्या वो हमें भी टॉर्चर करेगा? कुछ भी हो सकता है, जब मेरे गार्ड के बेटे के साथ हमला हो गया है, उसको अगवा कर लिया है, तो हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। मेरे गार्ड ने बहुत मना किया मैडम नहीं जाए नहीं जाए, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी और मैं हर जगह जाती रही और आज ये दिन मैं देख रही हूँ। अल्लाह मैं क्या करूँ, ये लोग मुझे सिर्फ ब्लैकमेल पे ब्लैकमेल किए जा रहे हैं और मैं कुछ अच्छा, नहीं अच्छा, कर पा। तुम परेशानी हो, हम लोग कुछ सोचते हैं। मैडम अरे मैडम परेशान क्यों है इतना तुम? परेशान क्यों ना हो? अरे मैडम आप मेरे बेटे का फिक्र नहीं करे, परेशान ना हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। कैसे, बच्चा छोटा है ना, कैसे परेशान ना हो, वो खुद इतना छोटा बच्चा है। उसकी टेंशन ना लो, वो मैं जब चाहूँ छुड़ा लूँ। हाँ जिसने भी मेरे बेटे पे हाथ डाला है उसको हम नहीं छोड़ेगा। हाँ अभी भी हम पुलिस में जाके अपना कंप्लेंट करवा सकते हैं और हम पुलिस को मतलूब है, लेकिन हम अपना काम निकलवा सकते हैं। हाँ हमने अपने कागजी कार्रवाई कर ली है, हम कभी भी अपना बेटे को उससे छुड़वा लेगा, आप फिक्र नहीं करें, हमारे पास हर किस्म का वो है। हाँ आप बेफिक्र रहे हैं। हाँ समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया, आज आपके बच्चे कल हमारे साथ, कुछ न कुछ हमारे माशरे में चल ही रहा है। कोई आप शेर खान जहाँ जाता है ना सबकी खोज लगा लेता है। शेर खान के इलाके में अगर कोई बच्चा या कोई परिंदा भी गायब होता है तो वो खोज लगा लेता है और वो कहीं नहीं जाता है। शेर खान इत्मीनान से अपनी वारदात करता है, सबको बोलता जरूर है, इंस्पेक्टर को भी बोलता है, दूसरे लोगों को भी कहता है और सबको इधर उधर भेजता है, लेकिन अपना काम वो खुद करता है। सबको इसलिए बोलता है कि सब ये रहें कि हमें भी कहा था, सबका फर्ज है। हमारे इलाके से बच्चा चला गया और हैरत है कौन लेकर गया, किसमें इतनी जरूरत है। बहुत अजीब वो शख्स होगा जिसने मेरे इलाके में ही वारदात की, मैं किसी सूरत छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं क्यों मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो बच्चों को किडनैप करते हैं, उनकी जान की परवाह नहीं, उनके वालदेन को भी परवाह नहीं करते। हाँ मैं जानता हूं तुम बहुत असुविधा हो, तुम परेशान मत हो। वो हर कीमत पर वापस आएगा और मैं लेकर आऊंगा, तुम देख लेना। आखिरी काम तो मैं खुद करता हूँ, सबको मौके देता हूँ, हर किसी को काम देता हूँ, मौका देता हूँ कि चलो तुम करो तुम्हारा काम। बहुत कम होता है कि जो ये लोग काम करके आते हैं, मुझे संभालना होता है, मुझे मैं संभालता हूँ, मैं ही सब कुछ लेकर आता हूँ, सारे काम को निपटाता हूँ और फौरन आ जाता है। मेरे काम का एहसास शायद किसी को ना हो, मैं जिन बन जाता हूँ, जिन अजीब छलावट कभी इधर कभी उधर, मैं वो काम करता हूँ और मुझसे कोई दूर भाग नहीं सकता। किसी में इतनी जरूरत नहीं कि मुझसे मेरे इलाके में वारदात करके भाग जाए। शाबाश उन लोगों को जो मेरे इलाके में वारदात करते हैं।
और अपने मुंह के खाते हैं। शायद वो पिटने के लिए मुझसे ये वारदातें करते हैं। कामयाब तो कभी नहीं होंगे। बहुत मैं संभालूंगा, बताऊंगा आपको, एक एक शख्स को बताऊंगा, मैं सबको जानता हूँ, सबको जानता हूँ। अभी तक मैंने किसी को छेड़ा नहीं है। अब इससे मेरी तवज्जो ये कि बच्चा कहाँ है, ले आओ बस, तो कुछ नहीं कहूँगा। शर्म नहीं आती उन लोगों को, माओ से औलाद और बहनों से भाई छीनते हैं। तुम परेशान नहीं हो, मैंने बहुत कोशिश की है और मैं समझता हूँ शाम तक वापस आ जाएगा, हर हालत में शाम तक आएगा। जब मैं हाथ डाल देता हूँ अल्लाह का नाम लेकर, तो वो काम कामयाब होता है। बिल्कुल परवाह मत करो, ये तटपुंजे लोग मेरे इलाके में वारदात करते हैं, इनको तो मैं बताऊंगा अच्छी तरह से। इनको शर्म नहीं आती है, एहसास नहीं करते कि ये इलाका किसका है। जानते बूझते वो गलतियां करते हैं और फिर मैं इनके साथ जो हशर करता हूँ वो ये खुद देखते हैं, खुद देखते हैं इनको। इनके साथ जो मैं करूँगा ना, मैं बता दूंगा शाम को कौन था। मेरे जहन में है नाम, मैं नाम है, कोई मुझसे बचता नहीं है, कोई मुझसे नहीं बचता है, समझ गए? कोई मुझसे बच नहीं सकता। मेरे पर खास अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मेरे सुला के वो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा कि लोग परेशान हो जाए, लेकिन ये पहली बार था मुझे, वो भी बच्चे कितने थे। और मैं हर हालत में निकाल के आऊंगा, हर हालत में, मुझसे कोई लड़ नहीं सकता, कोई नहीं लड़ सकता। मैं क्या करता हूँ किसी को एहसास ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है पल में क्या और पल में क्या हो जाता हूँ। लेकिन मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि मैं जो काम करता हूँ अल्लाह ताला का नाम लेकर करता हूँ, और कभी भी मैं नाकाम नहीं होता। ये मेरी अल्लाह ताला की उस पर खास नजर है। हाँ, जिसके साथ अल्लाह होता है उसके काम अच्छे होते हैं, निपट जाते हैं, कोई पीछे नहीं रहता है, पीछे बिल्कुल नहीं रहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जावेद, मैं क्या करूं? अरे मैडम, तुम्हें पता है कि यहाँ पर बहुत कपड़े चल रहे हैं, क्या है कि मेरा बेटा भी अगवा हो गया है, उसका भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमने सिक्योरिटी लगा दी है हर तरफ, अपनी सिक्योरिटी हमारी है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, ठीक है ना? आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है कि शहर के हालात बहुत खराब है, हर जगह झगड़े फसाद है। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि आप पूरा मन, वैसे मैं बहुत परेशान है, तो मुझे और परेशान कर रहे हो ताकि मैं सोचूं। अरे मैडम, तुम सोचो नहीं, बस तुम फिक्र नहीं करो, हम है ना, हम सब संभाल लेगा, कोई मसला नहीं है। हमारा कोई हमारा बेटा हुआ है ना, हमारा मसला नहीं है, समझा? हाँ, ओके। तो करना पड़ेगा ताकि वो मेरा साथ दे, कि आगे किसी को पता भी ना चले। मैंने तो तुम्हें अपनी बहन समझा, अपने साथ रखा, अपने घर में, अपने ऑफिस में। मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने आस्तीन का सांप फाड़ लिया अपने घर में। तुम जैसे, तुम अपने भाई के साथ मिलकर इतना बड़ा गेम खेल रही थी, अल्लाह मेरी तो समझ से बाहर है। ये लड़की ऐसा भी कर सकती है? मैंने सोचा नहीं, चली जाओ तुम यहाँ से, मैं तुमसे ऑफिस में आके बात करूंगी, तुम उस काबिल भी नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वो ये
ये कहना था कि तुम्हारे भाई ने स्नैन के साथ मिलकर उस लड़के को अगवा किया है। अभी देखो ये क्या हुआ, ये अच्छी बात थोड़ी है। मैंने कहा आपको रिपोर्ट दे दूं मैं, और आपको रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है, बस मेरा नाम मत आए बीच में, किसी को पता ना चले। क्या ये सही बोल रहे हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। उफ। मैं झूठी बोलता। ठीक है तुम जाओ, तुम्हें कोई देख ना ले। हेलो हसनैन जी, क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुम मेरे भाई के साथ मिल गए हो? मैं कुछ समझा नहीं यार, तुम दोनों क्या खिचड़ी बना रहे हो? कहना क्या चाहती हो? मुझे सारी रिपोर्टें मिल रही है, तुम क्या समझ रहे हो? तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। क्या कहना चाहती हो और साफ साफ कहो, क्या बोलना चाह रही हो तुम? तुम मुझे बताओ कि क्या मसले चल रहे हैं। क्या मसला है, मसला बताओ। यार मैं तुम लोगों के साथ हूँ मगर तुम लोग क्या कर रहे होंगे? भाई अलग कुछ बोल रहे हो, तुम अलग कुछ बोल रहे हो, मुझे बताओ तो चल क्या रहा है? सारी बातें को रहने दो, वक्त आने में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है? बस खामोश हो जाओ, ठीक है? तुम मेरे से मिलने आना, बैठ कर बात करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तुम मिलने आओ, बैठ कर बात। अच्छा अच्छा, कूल हो जाओ, कूल हो जाओ, मैं मिलकर तुमसे बात करूं। क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया अचानक? कॉल आया तुम्हारा, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ बताओ? मुझे बताओ कि ये चल क्या रहा है सब कुछ? किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ। कौन कर रहा है? मुझे क्या पता है, ये तो तुम बताओगे ना मुझे। मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, मुझे इसके बारे में मालूमात भी नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि मैडम के बारे में, ये मैडम जो है, मैंने को मारो गोली, पहले मुझे साफ साफ ये बताओ कि भाई के साथ मिलके क्या खिचड़ी बन रही है। यार क्या कह रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं मुझे किसी से नहीं पूछना, तुम बताओ मुझे पूरी बात। यार देखो बात सुनो, हम साथ काम करते हैं ऐसा और कुछ भी नहीं है, और तुम क्या कह रही मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, समझी तुम? और तुम छोड़ो ये बातें, ये बताओ कि क्या हुआ। और वो जो उसके गार्ड का बच्चा, उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है? मेरे इलाके में बच्चा अगवा, और ये बताएगा किसने किया, इसको सब मालूम है, सब मालूम है, ये बताएगा। और जहां तक इसका ताल्लुक है तो ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है, कम नहीं है। अभी मैं तुमको सिर्फ समझा रहा हूं, तुमको भी, कि बच्चा कहाँ है, किसने किया है, ये मुझे बताओगे, बताओगे मुझे अभी। छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं, मेरे इलाके में वारदात कोई हो जाए, चिड़िया की अगर मर जाती है तो उसका भी खोज लगा देता हूं। ये तो फिर बच्चे की बात है, तुम बताओ, तुम क्या कहती हो, क्या कहती हो तुम, तो किसने किया होगा बच्चा? ये बात जब पता चलेगा ना किसने किया है, तो सबकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि मेरे अंदर बैठे हुए कुछ आस्तीन के सांप ऐसे हैं जो मेरी बात का भ्रम भी रखते हैं,
की इज्जत भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, कदर भी करते हैं, लेकिन काम अपनी पसंद के करते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने जगह गलत मुंतखब की है। मेरा इलाका जहां कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा इलाका मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। बड़े बड़े तवंगर यहां आए मुझे खत्म करने के लिए, मेरे इलाके को खत्म करने के लिए, लेकिन वो खुद अपनी मार खाकर चले गए। ये मैं था, मैं जिसने यहां पर किसी को टिकने नहीं दिया, इसीलिए मेरा इलाका हमेशा साफ रहा, हमेशा मेरा इलाका साफ रहा। कोई वारदात नहीं की किसी की, कोई हरकत नहीं कर सकता था यहां, कोई ऐसी बात नहीं हुई किसी की इज्जत महफूज ना हो। यहां इज्जत भी महफूज है, बच्चे भी महफूज हैं, और हर शख्स अमन और शांति से अपना काम कर रहा है। लेकिन अभी अचानक एक बच्चे का अगवा हो गया, और यही लोग बताएंगे मुझे, और ये बताएगा मुझे कि कौन ले गया, कहां ले गया, और कहां है ये बच्चा। इसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। इस रानी को मैंने समझाया था कि हमारे यहां पर आस्तीन को सांप हैं, तो अपने भाई को सांप मत समझ। मुझे सब पता है, उसकी तमाम वारदातें मुझे पता है, लेकिन मैं कहता नहीं हूं, इसलिए कि मैं दूसरों की इज्जत करता हूं, इसलिए कि मैं भी अपनी इज्जत बचाता हूं। इन लोगों के दरमियान ऐसे कुछ लोग जो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे किरदार को ठेस पहुंचा रहे हैं, मेरे इलाके को बदनाम कर रहे हैं, कि यहां पर ऐसी ऐसी वारदातें होती। बताएगा कुछ तू चुप नहीं रहने, तू ही बताएगा मुझे। मुझे सब मालूम है, मुझे पता हो जाए कि बच्चा इस वक्त कहां है बस, और मुझे इल्म हो जाएगा। बताएगा मुझे, तू ही मुझे बताएगा कौन ले गया, कब ले गया, और बच्चा इस वक्त कहां है। मुझे शुबा है कि लोगों की मुस्कुराहट मुझे बता देती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये भाई के रूप में शैतान भी तो हो सकते हैं, भाई के रूप में शैतान भी हो सकते हैं, जो अपने जाती मफाद के लिए, कुछ हासिल करने के लिए बच्चों को किडनैप करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उन्होंने इलाका गलत मुंतखब किया है। ये इलाका मेरा है, मेरे बाप का है। मैंने यहां पर किसी को परेशान ना किया है और ना देखा है। मेरे बाप ने भी इस इलाके के हर शख्स की खिदमत की है, और कोई शख्स गैर महफूज नहीं था। और आज मैं हूं इस इलाके में, और मेरी जो रिस्पेक्ट ये लोग करते हैं, इसीलिए करते हैं कि यहां वो तहफ्फुज में, हिफाजत में, कोई यहां पर गुंडा ऐसा नहीं आ सकता जो किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा दे, हमारी बहन बेटी को कोई नुकसान पहुंचा दे। रानी, मैंने कहा था मैंने तुझको कि कौन हो सकता है, मत समझ अपने आप, अपने भाई को साफ सुथरा मत समझ, अपने भाई को साफ सुथरा, जो है जब सामने आएगा तो आंखें खुल जाएंगी। एक एक शख्स जानता है कि ये शेर खान का इलाका है, और यहां पर ऐसी कोई बात नहीं होगी। रानी, मैं बता रहा हूं तुझे, यहां पर रश करता हूं इस इलाके के लोगों पर, झूमता हूं, नाचता हूं, यहां के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो गैर महफूज नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों ने मेरे इलाके को गैर महफूज बना दिया है। मैं इनको नाकाम कर दूंगा, कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरा इलाका हमेशा खुशगवार रहेगा, नाचता रहेगा, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये बताएंगे, खुद बताएंगे मुझको कि कौन कहां है, कौन लेकर गया है। मेरा इलाका
बहुत मोहब्बत का गहवारा है, जहाँ हर शख्स की इज्जत महफूज है। यहाँ कोई परिंदा पर्री मार सकता ऐसा जो किसी को भी नुकसान पहुंचा दे। रानी परेशान मत हो, भाई तुम्हारा आ जाएगा, आज ही आएगा, आज आ जाएगा भाई, और यही लोग बताएंगे कि कौन लेकर गया है, क्यों लेकर गया है, क्या मफाद था उसके लिए। काम बताओ यार, क्या काम है, मुझे किस लिए बुलाया है? तुमने तो मेरा काम किया नहीं है, और मैं तुमसे दोबारा आई हूँ तुम्हारे पास मदद मांगने। मेरे गार्ड के बच्चे को भी किसी ने अगवा कर लिया है। देखो मैडम, कोई भी काम जो है वो ऐसे नहीं हो जाता, सिस्टम के मुताबिक किया जाता है और टाइम लगता है, अचानक नहीं होता कोई काम, छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, मुश्किल है, वक्त लगेगा, और ये हम कर रहे हैं अपने तरीके से। वो इसे बेफिक्र हो जाओ कि तुम्हारा काम नहीं होगा, अभी मुझे ये बताओ कि क्या हुआ, क्या करना है अभी, और जो मैंने कहा था उसका क्या हुआ। एक तरफ मोहब्बत की बातें करते हो, दूसरी तरफ मुझे बातें सुना रहे हो। मैडम ये जो है ना, मोहब्बत वगैरह छोड़ो, ये अपने लिए सबसे ज्यादा मायने से पैसा। अच्छा, तो तुम मेरे साथ पैसे के लिए काम कर रहे थे? और मेरे हाथ में जो ये घोड़ा है, ये मोहब्बत की बात नहीं समझता, और ये जो मैगजीन है इसमें से निकलती हुई गोली मोहब्बत नहीं देखती है, सिर्फ इतने खुदगर्ज हो गए हो कि तुम्हें किसी की परवाह नहीं है सिवाय इस घोड़े के। हाँ तो मैडम हम पैसे की बात कर लें अब। बताओ कितने लोग हैं, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। बड़ा काम है मैडम, बड़ा सौदा है, 5 करोड़ रुपया लूंगा, 5 करोड़। 5 करोड़? हाँ मैडम, आपने एक तो सिक्योरिटी गार्ड इतने रखे हुए हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, 5 करोड़ रुपया कहा है, रिक्स वाला काम है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं और इतना तो बनता है, आपके लिए कौन सी मुश्किल वाली बात है, तो मैं अब चलता हूँ, बता दे मुझे जैसा होता है। ओके चुप, बिल्कुल खामोश हो, चल चुप से अंदर, नीचे बैठ, बैठ नीचे, अंदर चल और अंदर और खामोश, बिल्कुल खामोश, आवाज नहीं निकल चाहिए। जब बच्चे के नाम कर सकता है तो तुम्हारे नाम भी कर सकता है। चलो इधर बैठो, बैठो इधर, बैठो इधर सर। अरे हमारे को पता है ये सब लोग मिला हुआ लग रहा है। बच्चा तुम लोगों से कहां छुपाया है कि क्या करने है इनका? मुझे सही बताओ, अभी हमारे को नहीं बोलना। फिर मुझे पता है कि बच्चा तुमने ही अखबार किया है। अरे सही सही बताओ, बताओ एक बताओ, बच्चा पागल नहीं क्या? नहीं 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 सर, सही बताओ। नहीं क्या प्रदा के लेकर जाएगा इसको इधर से, वरना हमारे को नहीं बोलो। सर मुझे इससे सर के बच्चा अगर लेकर के अगवा करके सर मैंने नहीं किया सर, तुम्हें बताना होगा। हर लिहाज ये छूट गया, हर लिहाज सर आप मेरे यकीन करें। तुमने बच्चा पहले अगवा कराया, दोबारा इसके जरिए अगवा कराया, क्यों सर? ये झूठ बोल रहे सर, बच्चे इसने अगवा करवाया था सर। क्या वजह थी बच्चे अगवा करने की? बच्चे की जायदाद बच्चे के नाम थी तो तुम्हें क्या, बच्चा तो तुम्हारे पास था ना। इन्होंने बच्चा अगवा किया लालच में कि बच्चे की जायदाद जो है उसको शौहर को समझा सके। अरे ये आप लोगों को बदनाम कर रहे पूरा ग्रुप। आप लोग एक बात समझने की कोशिश करें कि बच्चे को पहले इसने अगवा किया, उसके बाद दोबारा बच्चा अगवा हुआ और वो इसके जरिए कराया। बात सिर्फ इतनी है कि शौहर ने बच्चे के नाम
अपनी तमाम जायदाद दे कर दी। जब सर, बच्चे के नाम सर, कर दी सर, तो इन्होंने शौहर को मजबूर करने की कोशिश की कि जायदाद मेरे नाम की जाए। जो भी गलती हुई ये तो आराम से बात हो सकती थी। अब अगर बच्चा किडनैपिंग में कुछ नुकसान हो जाता है उसको या खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो जाता है तो ये बताएं दोनों कि क्या ये मौत की सजा के मुस्तहिक नहीं है। बस सजा के मौत की सजा इनका मुकद्दर बन जाएगी और बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये हमारे मुआशरे की बहुत अजीब सी लहर निकली है कि अपनी मर्जी चलाने के लिए कुछ बात बनवा ले के लिए बच्चों को एक बात किया जाता है। तुमने क्यों माना इसका कहना, इसने जो कहा क्यों माना, तुम्हें क्या लगा? अपनी गरज बताओ, तुम्हें एहसास नहीं है कि बच्चा मासूम बच्चा कुछ भी उसको हो सकता है? तुमने उसको किडनैप कर लिया इसके कहने पर, क्यों? ये कौन है तुम्हारी? इसका कहना क्यों मारा तुम? क्या लालच? क्या इसने तुम्हें बहलाया फुसलाया कि इतने पैसे दे दूंगी, इतनी रकम दे दूंगी, जायदाद का इतना हिस्सा दे दूंगी? आप नोट करें रिपोर्टर इन बातों को, आजकल का माहौल। अपनी बात मनवाने के लिए बच्चे को अगवा किया जाता है, भूल जाते हैं कि बच्चा गुड़िया गुड्डा नहीं है, इंसान का बच्चा है। वो कैसे रहता होगा, क्या होता होगा उसके साथ, वो माँ के बगैर रह सकता है? ये माँ होकर उस बच्चे को अगवा करा है और इसके जरिए ये कौन है इसका? ये भी रिपोर्टर आप देखें कि ये कौन है इसका। यहां भी कहानी दूसरी निकलती है, ये आशिक है इसका, तो इसका सहारा इसने लिया। सर मैंने इसके कहने में किया सर। अब बच्चा कहां है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक तुम नहीं बताओगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में डाल दूंगा। बताओ मुझे, तुम तो बहुत मासूम बनने की कोशिश करती हो और इस मासूमियत का फायदा उठाकर तुमने बच्चा अगवा कराया और उसके बाद दोबारा इसके जरिए अगवा कराया, क्या वजह थी? अब बच्चा कहां है अब तुम लोग बता नहीं रहे। क्या तुम्हारे हाथ से भी किसी ने बच्चे अगवा कर लिया? तो बच्चा ऐसा था क्या? बच्चे में क्या बात थी कि वो जो बच्चा दोबारा अगवा हो गया? तुमने किया या किसी ने भी किया? कहां है बच्चा? मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, बस बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुमने हमारे माशरे को दागदार बना दिया है। किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, बच्चा चाहिए मुझे, बच्चा, बच्चे की मां से मैंने वादा किया है, बच्चा चाहिए बस और कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बच्चा बच्चा बच्चा। तुमने किडनैप किया अपने गरज में, अपने फायदे के लिए, अब कहां छुपा के रखा है मुझे बताओ, बताओ मुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, मासूम ज्यादा मत बन, मेरे सामने रोने पीटने का ड्रामा मत करो, मुझे हर हालत में बच्चा चाहिए। ऑफिसर नाम है मेरा, एक हद तक लियाज करता हूं, एक हद तक लियाज करता हूं, उसके बाद तुम इसको अच्छा बुरा कर देता हूं, मैं बुरा कर देता हूं, जिंदगी और मौत के दरमियान लटका देता हूं मैं। फिर वो जिंदगी नहीं बल्कि मौत के लिए दुआएं मांगता है, उसका हशर इतना बुरा करता हूं, किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा इसको, दोनों को नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा जब तक बच्चा नहीं मिलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, बच्चा चाहिए मुझे। बहुत बातें सुन ली मैंने तुम्हारी, बहुत बातें सुन ली मैंने तुम्हारी, किसकी? इसकी कहने पर किडनैप किया तुमने, कौन है यतबादी, क्या लालच है तुमको इससे? क्या इसने तुम्हें बहला फुसलाकर कुछ लालच दिया है? इंसानियत भूल गए तुम? अगर तुम्हारा बच्चा अगवा हो जाए तो तुम क्या करोगे, बोलो? और उस अगवा के अंदर, किडनैप के अंदर अगर वो मर जाए तो क्या करोगे तुम? एक इंसान की जिंदगी से खेलकर तुमने पूरे खानदान की जिंदगी से खेला है। ये है वो लोग जो अपनी गरज के लिए, अपनी लालच के लिए इंसानियत को मार देते हैं, इंसानियत को किडनैप करते हैं, भूल जाते हैं कि इनके अपने बच्चे भी हो सकते हैं, अपने बच्चे भी होते हैं। लेकिन मैं किसी सूरत में छोड़ूंगा,
मुझे बच्चा चाहिए हर हालत में इससे, और ये बताएगा, आपके सामने बताएगा ये बच्चा कहाँ है और क्यों किडनैप किया। उस शख्स ने बच्चे के नाम पर दौलत कर दी तो ये उससे कह सकती थी कि मुझे दौलत का हिस्सा दो, बच्चा तो मेरे पास है। बोलो रे चुपचाप, सिर्फ ये बताओ कि बच्चा कहाँ है, ये नहीं बताओ कि इसने कहा मैंने गोलियों से मार दूंगा, तुमको भर दूंगा तुम्हारे जिस्म में गोलियां, और तुम अपनी मासूमियत से बहुत फायदा उठा रहे, बहुत फायदा उठा रहे। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, मुझे बच्चा चाहिए और कुछ नहीं, हर हालत में बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा। ऑफिसर नाम है मेरा, एक हद तक लिहाज करता हूं, उसके बाद फिर मैं भूल जाता हूं कि मेरा दोस्त है या रिश्ता, क्योंकि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं और इस पाकिस्तान में ऐसी वबा नहीं चलने दूंगा जो दहशतगर्दी की हो और बच्चा किडनैप करने की और इंसान को जान से मारने की हो। मैं तुमको फिर बता रहा हूं, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, बस और कुछ नहीं, वरना ये गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा, ये गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। हर हालत में बताओ कि बच्चा इस वक्त कहां है, कहां है इस वक्त बच्चा, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना, मुझे माफ कर दो साहब, कर रहा हूं, मेरा इस पर बच्चा ही साहब, मैं बेगुनाह हूं साहब, मैं छोड़ूंगा नहीं, बच्चा वसूल करके छोड़, मैंने भी कुछ नहीं, शर्त तो तुम्हारा वो करूंगा कि मौत मांगोगे, मौत खुद मांगोगे, मौत लटका दूंगा जिंदगी और मौत के दरमियान को, ऑफिसर को सही नहीं समझा, बताओ मुझे बच्चा कहाँ है, बताओ मुझे बच्चा कहाँ है, कहाँ है बच्चा, बच्चा कहाँ है, मैं इस पिस्तौल के सारे गोलियां पेड़े पर दूंगा, बोलो, बहुत देर हो गई है मुझे बता दो, कहते हैं देखो मैं कितना इसको समझा रहा हूं लेकिन इसके जहन में दूर तक, पकड़ो इसको, देखें ये दोनों तुम्हारे सामने खड़े, जब तुमने बच्चे को जायदाद नाम कर दी तो तुमने, इसने तुमको कहा कि जायदाद मेरे नाम कर दो तो तुमने क्यों नहीं की, अगर तुम बच्चे को जायदाद बच्चे के नाम के बजाय इसके कर नाम कर देते तो क्यों नहीं किया, बच्चे अगवा तो एक घंटा का ट्रेन दे रहे आप, मैं आपके पास लेकर आता हूँ, चलो जाता हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मुझे सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि बच्चा इस वक्त कहाँ है, वरना यहाँ खड़े खड़े मौत के घाट उतर जाओ। बहुत समझा दिया, ये हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा, बच्चा बताओ फिर सोचूंगा कि तुम्हारे बारे में क्या, बच्चा तो आज नहीं तो कल तुम्हें वसूल कर लूंगा, मैंने अपने आदमी छोड़े थे और मेरे आदमी इतने टैलेंटेड हैं कि वो मुझे बता देंगे, आज बता देंगे, लेकिन मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, चाहिए और बच्चा हर हालत में मेरे पास आना चाहिए, फिर उसके बाद सोचूंगा कि तुम्हारा क्या करना है, समझे मेरी बात को तुम और नहीं कर रहे, तुम समझ लो शायद मैं ऐसे ही लूज बातें करके तुम्हें डरा रहा हूं और कुछ नहीं करूंगा, मैं यही खड़े खड़े तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। देखा रिपोर्टर, ये है वो लोग इंसानियत के दुश्मन है, ये अपनी गरज के सहारे जिंदा है, अपनी लालच के सहारे जिंदा है, एहतियात होशियारी इन लोगों का अंदर इतनी नहीं है। अरे सर ये नहीं चाहेंगे, ये सुधरने वाले जब तक नहीं बताया इसको खौफ ना सजा, मुझे कुछ मारना नहीं, हम भी चलो मौत मांगे, मौत चाहिए मैं, चलो चलो बताओ कुछ साथ जाओ, तुम्हारा को भी लेकर आओगा, नहीं बताता तो फिर मैं हशर बुरा कर दूंगा यहीं पर, और तुम अपनी मासूमियत का सहारा मत लो, इस तरह रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं होगा, मेरा बच्चा मुझे चाहिए ताकि मैं जवाब दूं, जाना नहीं या तुम मेरे पास कह दो,
कैसे समझाऊं लोगों को क्या है लोग। जी साहब आ गया मेरा भाई। नौमान नौमान ये बच्चा कैसे है? इसका भाई हूँ और बच्चा मेरी गोद में था। कुछ दो बंदे आए थे डांटे लगाए। दो लोग आए और तुमसे बच्चा नहीं करे और तुमने आसानी से बच्चा ले लिया। कोई कोशिश नहीं की, कोई हाथ पांव नहीं चलाए। अगर तुम हाथ पांव चलाते तो उनका कोई ना कोई वार तुम्हें लगता, तुम जख्मी होते या कुछ और होता, तुम्हें तकलीफ होती। कहा उन्होंने मारा, कुछ नहीं किया और तुमने आसानी से बच्चा ले लिया। इसका मकसद है कि वो दो आदमी जो भी थे तुम्हारे अपने थे? नहीं नहीं साहब, मेरा भाई तो बहुत शरीफ है। वो तो दो गुंडे आए और उस बच्चे को ले गए। नाजायज कोशिश की, मेरे सामने मेरे हाथ से लेकर गए बच्चे वो। यही तो शक की बुनियाद है कि आसानी से वो बच्चा तुम्हारे हाथ से ले गए और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा और ना तुमने कोशिश की। अगर तुम कुछ कोशिश करते हो तो मैं मारते तो इसलिए तुम जख्मी होते। हमें एहसास होता कि हाँ वाकई, लेकिन तुमने ये ड्रामा बहुत कमजोर रचाया। मुझे बच्चा हर हालत में चाहिए और इसमें मुझे शक है कि इसमें तुम्हारा भी हाथ है और तुमने यकीनन अपनी बहन का कहना मारा है या तुमने भी अपनी बहन को कुछ और गरज अपने मफाद के लिए तो बच्चे को उपा किया। ये कहानी बड़ी अजीबोगरीब है रिपोर्टर, देखें आप, बहुत अजीबोगरीब कहानी है। पहले वो था, पहले इस लड़की ने अगवा किया, फिर उसके जरिए अगवा कराया, ये तीसरा कहता है कि मेरे हाथ से और इसका कुछ नहीं बिगड़ा। कोई भी शख्स रिवॉल्वर के भी जरिए किसी को मोबाइल भी छीनता है तो वो हिल उज्जत करता है, कोशिश करता है कि मोबाइल ना छीना जाए। और इंसानियत, इंसान का बच्चा, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। अगर ये कोशिश करते तो यकीनन वो इस पर वार करते, हाथ मारते, जख्मी करते या कोई निशान इनके चेहरे पर या बदन पर होता कि हाँ उसको मार पीट के और छीन कर बच्चे को ले गए। इसका 100% हाथ लगता है और जब तक ये नहीं बताएगा इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। कितने लोग शामिल है? वो दो लोग कौन है? वो इन्हीं के, ये कड़ी से कड़ी बनती जाती है बच्चे को हुआ करने के लिए, यानी इन पर इल्जाम ना है। प्लानिंग इन्हीं की होती है, पूरा ड्रामा रचाया जाता है किस तरह कितने आदमी काम करेंगे और फिर वो बच्चा अटवाता है। इन्होंने बच्चा अटवाया, मुझे पूरा शक है इस पर। तुम मेरे साथ ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, मैं खान को भी बुला लू, उसको भी पकड़ लूंगा। बच्चे को विवाह करने में किसी का भी हाथ हुआ तो छोड़ूंगा। साहब आप बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे नहीं पता कहाँ है इंसान, किसने अगवा किया है। और मैं इंसान से मोहब्बत करता हूँ, इंसान को मरने नहीं दूंगा। मैं तुम दोनों तीनों से जवाब पूछूंगा कि बच्चा कहाँ है। तुम्हीने रिपोर्ट दर्ज कराई और आज तुम ही घेरे बांध। अजीब कैसे बच्चा अगवा भी करवाया, बच्चा दोबारा भी अगवा किया और खुद ही मजबूत बन गए। खान को भी पकड़ लूंगा, तुम्हारे भाई को भी मैंने पकड़ लिया है, तुम भी मेरे हाथ में हो, तुम्हारा दोस्त भी मेरे पास है। अब चार अपराध बताएंगे कि बच्चा किसके पास है। खुदा ना खास तुमने बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाया तो फिर मैं तुम सबको उड़ा दूंगा, सबको उड़ा दूंगा। मुझे बच्चे का बताओ बस। भाई भी तुम्हारा खड़ा है, तुम भी सामने खड़ी हो, तुम दोनों को इल्म है कि बच्चा कहाँ होगा, किसके पास होगा, कौन लेकर गया है, कौन क्या लगता है तुम्हारा। हाँ, इसकी तरह फेंटी लगाओ। मुझे माफ कर दें, आइंदा नहीं और इसको भी नहीं चाहूंगा।
जब तक बच्चे का नहीं बताया छोड़ना नहीं इनको किसी तौर से, हर हालत में मुझे बच्चा चाहिए बस। देखो अजीब बात है, खुद करते हैं एक बार, खुद ही दरखास्त करते हैं, खुद ही एफ आई आर कटवाते हैं, खुद ही बताते कि हमारा बच्चा अगवा हो गया है। ये सब अजीब गरीब ड्रामा रचा है दोनों ने, इन्होंने। अरे बच्चे वालों को हम बाहर रोकते हैं, पूरी कोशिश होगी कि हर हालत में चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे का मालूम करना है। और तुम मेरे साथ इंस्पेक्टर, तुम जो कुछ चाहो करो, लेकिन बस मुझे बच्चे का इल्म करवाओ कि बच्चा कहाँ है, छोड़ूंगा नहीं। देखें जहाँ तक मुझे पता चला है कि जो शहबाज के साथ जो वाकया हुआ है वो शब्बीर भट्टी और हसन। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? यस। ओ मेरे खुदाया, इन दोनों ने मिलकर किया, मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में। अच्छा आप ये बताएं कि जिस दिन शहबाज पर हमला करने के लिए लोग आए थे तो उस टाइम आप मौजूद थी? नहीं, उस वक्त तो मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, और मुझे समझ नहीं आ रहे, एक के बाद एक परेशानी हमारी जिंदगी में लगी। अच्छा, जो बंदे सामने आ रहे हैं एक भट्टी और एक असनैन। हम बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन जो सीसी फुटेज में वीडियो आई है बच्चे अगवा के, ये नैन हुए थे। क्या कह रहे हो? इन मुजरमों पर हमारी नजर है, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसका कुछ हल निकाल लेंगे। मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई हूँ, हमारे साथ तो परेशानियां ऐसा लगता है साथ लग गई है, और अब तो मेरे गार्ड के बेटे को भी अगवा कर लिया है, वो मासूम बच्चा है, उसके लिए तो मुझे खुद इतनी टेंशन हो रही है, परेशान हूँ मैं। जहाँ तक मुझे इल्म है कि जो जुराइम है वो तो हमारे शहर में बहुत बढ़ रहे हैं, और जहाँ तक डाड़े की जावेद डाड़े की बेटे के किडनैपिंग है वो भी हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, और वो भी हमारे नज़र में है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं मैं तो बड़ी परेशान हूँ सबको देख देख कर, मैं आगे क्या करूँगी, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा इंस्पेक्टर। मैडम पूरी पुलिस फोर्स आपके साथ है, और इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें। चलें जी, अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ठीक है। अरे यार आ गई तुम, अरे मैं इतना परेशान हूँ, मुझे ये पता नहीं चल रहा है मुझ पे अटैक कौन कर रहा है, और ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम भी नहीं बता रही मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो तुम परेशान नहीं हो, सब ये राज फाश हो जाएंगे, मैंने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया है, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, जो जो इस पे मिला भी थे ना सबका पता चल जाएगा। अरे परेशानी की बात तो है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझ पे अटैक पे अटैक हो जा रहे हैं और कोई सिस्टम नहीं मेरे साथ, मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ यहाँ पर। वो इंस्पेक्टर वो, अरे तुम इंस्पेक्टर शाहिद से बोलो कि कोई सिक्योरिटी मुझे दे दे, यहाँ तो यहाँ पता है तुम्हें बताओ, यहाँ बाहर गार्ड भी नहीं है, बाहर गार्ड नहीं है, क्या करूँ मैं बताओ। अच्छा अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं तो जल्दी करे ना करती हूँ ना सिक्योरिटी का इंतजाम। ठीक है क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा ये फोन किसका आ गया। हाँ हेलो शाहिद भाई, यार कुछ बताओ क्या हुआ, हम देखा यार क्या हुआ, सिस्टम कुछ हुआ?
हाँ हाँ हमें पता चल चुका है कि इसमें जो बंदे मुलव्वस थे, हमने सीसी फुटेज निकाल रही है, ठीक है, और वो बंदों का भी हमें पता चल चुका है। अच्छा अच्छा, समझ गया तुम्हारी बात। आप बेफिक्र रहें, निशानदेही हो गई है। लेकिन वही चीज, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हमने ऑफिस के बाहर भी सिक्योरिटी लगा दी। बोल बेटा जी, मैं बात नहीं करूँ। क्या चाहिए मुझे? तूने कभी मुझे भाइयों से नहीं किया है, अपने अखलाक से और अपनी तारीफ से। अब आप मेरे पास तो समझ, पूरी दुनिया मेरे पास। एक अच्छी औलाद है जब तू मेरी सोच के मुताबिक काम करता है, पढ़ता है, कहना मानता है, तो मेरा पूरा फर्ज है कि तेरी हर बात का ख्याल रखूं। किस चीज की तुझे जरूरत है मैं वो तुझे दूं, तुझे कभी मायूस नहीं होने दूं। तेरा बाप तुझसे बहुत प्यार करता है, पर एक ही बात चाहता है कि तू आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बन जाए, अपने बाप का नाम रोशन करे। मेरे बाप ने भी मुझसे यही चाहा था, बहुत याद आती मुझे उसकी बातें। आज वही बात मेरे साथ हो रही है, मैं भी तुझसे यही चाहता हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे, सिर्फ एक बहुत बड़ा इंसान बनकर, आला तालीम हासिल करके मेरा और मेरे मुल्क का नाम रोशन कर देना। तेरे बाप ने भी बस ये सवाल किए थे। और मैंने उसे मायूस नहीं किया। जब मैंने मायूस नहीं किया अपने बाप को, तो मुझे पूरा यकीन है बेटा, तुम्हें तो मैंने हर चीज दी है, तुम्हारी मांगने से पहले। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अरे बाप को 6 करोड़ का नुकसान हुआ था, उसकी कंपनी ठप हो गई थी, तो मैं मजदूरी करने निकला था घर से, मजदूरी, तेल चा फावड़ा तोड़े थे। मैंने रोडों पर काम किया है, मेहनत मजदूरी की है, बहुत मजदूरी की अपने बाप को खुश करने के लिए मैंने। मैं तो कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं कि तू मेहनत कर, पढ़, बहुत बड़ा आदमी बन जा। इससे बड़ी मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए। तू मेरा पार है, तेरा मुस्तकबिल है, तेरा बाप याद आता है तुझे देख, मेरा बाजी मुझे याद आता है। यही मैं कहता हूं तुझको, हमेशा होशियार रहना, एक्टिव रहना, किसी बात की फिक्र मत करना, जो चीज चाहिए मुझसे कह देना, बस तेरा काम है पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बन जा, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे। मैं मेहनत करूंगा, बहुत की है मैंने मेहनत, बहुत की है मैंने मेहनत, बहुत की है।
तुझसे यही चाहता हूँ कि बस तू मेरा ख्वाब पूरा कर दे, मेरा ख्वाब पूरा कर दे। सब कुछ तू है, सोचो कि आखिरी तह तू है, समुद्र की तरह गहराई है मेरे प्यार में बिठा। बस मुझे फखर है कि तू मेरा बेटा है और मैं अपने मन शाबाश बेटा। बस तेरे बाप ने मुझसे ये चाहता, मैं भी तुझसे ये चाहता। मैंने तो बहुत मेहनत की है ना, लेकिन ये मेहनत फिर नहीं है। कौन, यहाँ पे तुम कैसे आए? बाहर बाहर किसने तुम्हें बन किया? कुछ पता है तुम्हें? बच्चे को इतनी टाइट वाले कहाँ रहते हो? कुछ पता है तुम्हें? नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? अपने बाबा का नाम बताओ। बाबा का नाम पता है? बताओ। जावेद। अच्छा जावेद, चलो तुम परेशान ना हो, तुम मेरे साथ चलो, बैठो यहाँ पे। तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ, कहाँ रहते हो और तुम्हें यहाँ पे कौन लेकर आया? तुम्हें कुछ याद है? मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे घर वालों तक मैं पहुँचा दूँगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अरे ये तो सिक्योरिटी गार्ड का लड़का है, ये तो अगवा हुआ था वहाँ से। अच्छा, ये बच्चा तो अलमारी में बंद था, तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आ गई, मैं खुद घबरा गई थी इस बच्चे को देखकर। अरे इसको तो लोग ढूंढ रहे हैं। तब बोलो, मैं चाहेंगी जी, देखा बच्चा मिला। ये कौन है? ये तुम्हें कहाँ से मिला ये बच्चा? ये मुझे अलमारी से मिला है, अलमारी में था तो मैंने सुनकर। आप इसको जानती हैं? मैं तो कुछ परेशान हो गई थी, इसके मुंह भी बंधे हुए थे। तुम हसनैन हो ना जावेद के बेटे? ओह माय गॉड, आप इसे जानती हैं? हाँ, ये मेरे गार्ड का बेटा। शुक्र है ये हमें मिल गया। इधर आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम परेशान बिल्कुल नहीं हो। अभी मैं तुम्हारे बाबा को कॉल करती हूँ, मैं भी उसको कॉल करके बताऊँ। अच्छा जी बताओ, ये तुम्हें मिला कहाँ से? ये आपके घर की अलमारी से मिला। मुझे अलमारी, ओह गॉड, मेरी अलमारी से मिला है ये बच्चा? उसके तो मुँह भी बांध के रखे थे, हाथ पैर सब, मैं तो उसे निकाल कर लाई। क्या, इतने मासूम से बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है? अल्लाह, मैं क्या करूं, छोटा सा बच्चा और जुल्म सितम। ए चल निकल, चल। कौन हो तुम लोग? चल अकेलेगा, चल बे। क्या करने आए तुम लोग यहाँ पे? चल आगे लोगो। चलो मैडम, तुम्हारा कहानी खत्म हो गया। तुम लोग हो कौन मुझे ये तो बताओगे, और मेरे मुझे यहाँ पे क्यों पकड़ के रखा हुआ है? काम से बात कर। हम जो हो वो तुम समझ नहीं सकते।
अच्छा तुम लोग मुझे धमकियां दे रहे हो, क्या बिगाड़ लोगे तुम लोग मेरा? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, देख लूंगी मैं तुम लोगों को क्या कर लोगे तुम लोग। हम तो वो कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ओ गॉड, मेरे घर में मुझे कैद करके रखा हुआ है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा तुम्हें चाह क्या रहे हो। हाथ नीचे करो। तुम मुझे कह रहे हो हाथ नीचे करने? तुम होते कौन हो और क्या गन लेकर मुझे डरा रहे हो तुम लोग? फजूल की बातें लगा रहे हो, गन देख के भी डरती है। मैं कोई नहीं डरती। क्या कहा तुम लोग? कोई नहीं डरती। ये मैं तुम लोगों को देख लूंगी, जाओ तुम लोगों को भी और तुम्हारी धमकियां भी। ओहो क्या बात। ओ मैडम, ये धमकियां हमें नहीं दो, जाओ जाओ तुम लोग अपना काम करो, मुझे धमकियां ना दो, देख लेंगे तुम क्या कर लोगी। लगता है कि क्या बोला, गोलियां चला दे। अरे नहीं छोड़, इतना डरा दिया ही काफी है, अभी तो इनकी आवाज निकलनी है ना, और जब सच्चाई पता चलेगा तो इनकी आवाज। ओ जाओ तुम लोगों को, एक एक को मैं देख लूंगी। क्या देख लूंगी? जाओ जाओ तुम सबको देख लूंगी जो धमकियां दे रहे हो ना तुम मुझे। आवाज नीचे। मुझे कहना है आवाज नीचे कर।